हाँ जी करिए, क्वेश्चन करिए। सुशांत ने चालू कर दिया है। हाँ जी बेटा, नमस्कार सभी का। आज हम करने वाले हैं रैंकिंग ऑर्डर का, आपका दूसरी क्लास रहने वाली है। एक बार सभी बच्चे जल्दी से आंसर कमेंट करिए। सीएचसीएल का फॉर्म भर लिया आप सभी ने? ठीक है, तो रेलवे पुलिस के आज से स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रेजुएट कितने बच्चे हैं? तो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है, ठीक है, और जो ग्रेजुएट नहीं है वो कॉन्स्टेबल का भरें। और आज से मेरे वाले चैनल पे एसएससी की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट। ये तो मेरे को याद नहीं, फॉर्म भरने वाले ने पाओगा यार, तो सातवें आखिरी पाओगी भी, एक महीने का प्रोसेस पा रहे हो। छो मैं ना आवे ना छो मैं नहीं आवे। क्या एक आंसर? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन देखिए, आप उसने बोला लड़कों की एक पंक्ति में ए बाई ओर से दसवें स्थान पे है, कोई ए है लेफ्ट साइड, ये है आपका जो ए है यहां से दसवें स्थान पे है, और बी है राइट साइड से नौवें स्थान पे है। तो यहां से देखोगे जो कोई बी है दसवें, नौवा है ना, बी नौवें स्थान पे है, तथा आपस में वो एक दूसरे के साथ क्या करते, अपना स्थान बदल लेते हैं। तो भाई बी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पे, तो बी अब यहां पे है और ए यहां पे है। उसके बाद देखिए, तो उसने बोला जो फिर क्या है, जो ए है ना लेफ्ट साइड से पंद्रहवें स्थान पे हो जाएगा, तो इस साइड से देखोगे आप जो ए है कौन से स्थान पे हो जाएगा, पंद्रहवें पे। तो टोटल आपको बताना है इससे आपका रो में कितने लड़के हैं या लड़कों की संख्या कितनी है। हाँ जी, क्या आएगा आंसर? 23 आएगा। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्टार्टिंग नंबर, टोटल नंबर ऑफ रो बराबर है आपका स्टार्टिंग नंबर प्लस में लास्ट नंबर माइनस में वन, ठीक है। अब आप देखो टोटल नंबर आपको निकालने हैं, आपको इस साइड से और इस साइड देखोगे आप, सबसे पहले यह डायरेक्ट आपको करना है, आपका डायरेक्ट भी हो जाएगा। सिंपल सा देखिए, आपका 15 प्लस में 9 क्या, आपका 15 प्लस में 9 24 है, ठीक है। आपने एक पर्सन को देखिए यहां पर दो बार काउंट कर लिया है, 15 प्लस में 9 24, 24 माइनस में 1 23। आपके दिमाग में अभी आना चाहिए जहां तक बात है, या ऐसे करिए आप 15 प्लस में 9 माइनस में 1, जब भी बात वही आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एक पर्सन को दो बार काउंट किया तो क्या कर लेंगे, एक माइनस कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। हाँ जी उतारिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर आपका 23 है। हाँ जी आगे चले, करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इतना आसान नहीं है क्वेश्चन शायद, ये डायरेक्ट तुक्का ना मारे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। गुड आफ्टरनून भाई सरोज देवी, गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन में उसने आपके से टोटल नहीं पूछा है, आप टोटल बता रहे हो, इसमें दो चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। थोड़ा सा क्वेश्चन घूमेगा और आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, यही आपके साथ हो गया है। आसपास हो, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का ही मार रहे हो तुम, 13 नहीं तो 12, 12 नहीं तो फिर 14।
जो गलत आएगा वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। सबसे पहले गलत पे ही क्लिक करोगे, फिर सुशांत बेटा कैड लेके सोच रहा है, तू दिमाग में कर रहा है या मैडम साहब भी भूल गई शायद अपनी। दे दियो भाई, मैं ले रहा अपनी ना इतना टैलेंट नहीं है हाँ जी आंसर आ गया आप सभी का। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। हाँ जी करवाए क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या, आपका लड़कियों की एक पंक्ति में मनीषा का स्थान लेफ्ट साइड से पांचवा है और मोना का स्थान राइट साइड से छठा है। उन्होंने अपना आपस में स्थान बदला है तो मनीषा का स्थान लेफ्ट साइड से तेरहवां हो जाता है। तो उसने बोला कि तो बताइए आपका राइट साइड से मोना का स्थान क्या होगा। सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ रो निकालने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन करते हो, लड़कियों की एक पंक्ति है, कोई मनीषा है, मनीषा का स्थान है लेफ्ट साइड से पांचवा, फिर कोई मोना है, मोना का स्थान राइट साइड से छठा है, राइट साइड से छठा है, उन्होंने अब आपस में स्थान बदल लिया है तो यहां पे मोना आ जाएगी, यहां पे मनीषा है। फिर उसने कहा है कि जो मनीषा का स्थान है ना लेफ्ट साइड से तेरहवां हो जाता है। कोई मनीषा है, यहां से देखोगे उसका स्थान कौन सा हो जाता है, तेरहवां हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ रो बताने पड़ेंगे इसमें। अब देखोगे आपका टोटल नंबर ऑफ रो निकालते हो आप, यहां पे तेरहवां है, तेरह प्लस में छह उन्नीस, एक पर्सन को आपने दो बार काउंट कर लिया तो माइनस एक कर देंगे, ठीक है। तो क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ रो निकालोगे आप तो कितने आपके 18 हैं, क्लियर है। और आप डायरेक्ट यही आंसर बोल रहे थे, क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं कि लास्ट क्वेश्चन जैसा था प्लस माइनस करो डायरेक्ट आंसर चिपका दो, ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है। आपका फॉर्मूला था स्टार्टिंग नंबर प्लस में लास्ट नंबर माइनस वन। अब आप देखिए उसने बोला है कि जो राइट साइड से है ना मोना का स्थान क्या होगा। अब राइट साइड से अगर मोना को देखोगे आप, अब आपको ये वाला हिस्सा तो आपको निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है ना आपको, और इस साइड से देखिए आपका सबसे पहले इस साइड कितने पर्सन है, पांच है। तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग नंबर प्लस में आपका पांच माइनस में एक आ जाएगा, ठीक है। तो पांच माइनस में क्या बचा आपका, चार है। तो इस साइड आपका स्टार्टिंग नंबर आ जाएगा अठारह माइनस में चार, चार इस साइड आ गया आपका माइनस का हो जाएगा, तो अठारह माइनस में चार क्या बच जाएगा आपका चौदह। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 14 होगा। हाँ जी बन जाएगा आंसर, तो राइट आंसर आपका 14 है। दोबारा बताना ये, देखो सिंपल सी बात है, जो पीछे क्वेश्चन किया आपने, आपको काफी बार स्टार्टिंग नंबर दिया है और एक आपको लास्ट नंबर दे दिया तो आप ये निकालते थे। अब की बार क्या किया, इसने आपसे स्टार्टिंग नंबर भी पूछ लिया है और टोटल नंबर भी पूछ लिया है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ऐसे ही करके टोटल नंबर आपने निकाल दिया, क्योंकि देखो टोटल नंबर निकालोगे तभी तो आप इस साइड वाले पर्सन का पता कर पाओगे आप, ठीक है। अब आप देखोगे आपने टोटल नंबर निकाल दिया 18, अब आपने देखा कोई पर्सन है, कोई क्या है, मोना ही मनीषा है या जो भी है, ठीक है। इस साइड से ना उसका स्थान पूछ लिया है, इस साइड से आप देखोगे सबसे पहले यहां से यहां तक के आपने पर्सन देखे हैं, उसने दिया क्या, तेरहवां है, ठीक है, तेरहवां स्थान है। आपने देखा तेरह तो सर हमारे पास, सॉरी तेरह नहीं था, ये टोटल 18 था, टोटल 18 था आपका, और यहां से यहां तक का आपने पता इस पर्सन का स्थान क्या है, पांचवा है। तो आपने स्टार्टिंग नंबर प्लस में पांच माइनस में एक, पांच माइनस में एक किया आपने क्या आया, चार आया है, और 18 आपका इस साइड था, जो चार इस साइड आएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस का, 18 माइनस में चार 14 है। तो स्टार्टिंग नंबर क्या आ गया फिर आपका, 14 आ गया है। सबसे पहले आपको टोटल नंबर रो निकालने पड़ेंगे इसमें। हर बार जो पहले आपके जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन थे, किसी में आपसे स्टार्टिंग नंबर पूछ लिया था, किसी में टोटल नंबर पूछ लिया था, इसमें पहले टोटल नंबर निकालना आपको, फिर आपका स्टार्टिंग या लास्ट नंबर ऐसे पूछ लेगा। देखो चैप्टर बढ़ेगा तो थोड़ी चीजें मिक्स होंगी आपके, हर बार आसान नहीं होगा, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा आपके साथ। हाँ जी बन जाएगा क्वेश्चन, आगे बढ़े, उतार लिया है ना।
करिए फिर नेक्स्ट। क्या उसका है? कोई बात नहीं, कर लीजिए बाय। बाप छोर से हैं। सबसे पहले गलत चीज पर नजर जाओगी। देखेंगे देख लीजिए, टायर टू में आया आपका 2023 में। अरे सुशांत रीजनिंग की क्लास में तो रीजनिंग लिख दिया कर। जीके इंडिया जी है, जीके वाले सोनू सर, रीजनिंग तो इस पर कितनी भी नहीं है, है? नीचे जो डिस्क्रिप्शन था ऊपर ही है, जो उसमें लिखा था ना रैंकिंग ऑर्डर बाय सोमवीर सर, उसके बाद हैशटैग लगा के सीधे कॉपी पेस्ट चेप दिए होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या आंसर आएगा। आप देखिए टोटल जो रो में है ना स्टूडेंट 32 है और नॉर्थ की साइड फेस है, आकाश होगा ये, ठीक है? आकार ही है क्या? आकार है, राइट साइड से 12वें स्थान पे है, हिंदी में भी आकार ही है, ठीक है? राइट साइड से 12वें स्थान पे है, जबकि कोई प्रिया है लेफ्ट साइड से 18वें स्थान पे है, और उन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है? आप देखोगे 18 और 12 30 आपका 2 है, अगर बाई चांस, ठीक है, अगर आपके नंबर कम होते ना तो फिर ये जो आपकी लाइन है ना ओवरलैप कर जाती, अगर कम होते तो। पर आपको पता है 2 बचेंगे तो आपका 18 और 12 30 सम होता, तो इसलिए आपका बीच में आपको डिफरेंस छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो राइट आंसर आपका आएगा 2। हाँ जी, बन जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका। जो ये क्वेश्चन करवाया था ना सेम इसके जैसा है बस, ये सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रो निकालिए,
हाँ जी, क्या है आंसर? गलत है, 37 राइट है आंसर। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रो निकालिए आप, तभी कुछ हो सकता है। हाँ जी, क्या आएगा आंसर? 37 आएगा। ऐसा क्वेश्चन सेम करवा तो दिया आपको, ठीक आया नहीं आंसर? पड़ोसी का देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन तो सिंपल है यार, दो कॉन्सेप्ट हैं बस, बात ये है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जो मोहन है, मोहन का जो क्रम है राइट साइड से 10वां है, मोहन 10वें स्थान पे है, ठीक है। फिर देखिए आप, और सोहन का क्रम लेफ्ट साइड से 25वां है, ठीक है। फिर देखिए जो सोहन है, बेटा क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में पढ़ लो यार, ठीक है। फिर कोई सोहन है, सोहन का स्थान है 25वां है, उसने क्या कहा है? फिर वो आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, दोनों ने क्या किया, आपस में अपना स्थान बदल लिया है, तो यहां पे सोहन आ जाएगा, यहां पे मोहन आ जाएगा। पड़ोसी ने भी ऐसे ही किया गया, बिल्कुल सेम, तेरा पड़ोसी है। तुमने सोचा अरे बारिश साइड से बैठा रहे, तो अब की बार भी यही बैठा रहे हो, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्वेश्चन है आपका, मोहन का क्रम है जो बाई, फिर उसने क्या कहा, स्थान बदल लिया आपस में, तो जो मोहन है ना, मोहन का स्थान क्या है, राइट साइड से 22वां हो जाता है। तो स्थान बदलने के बाद देखोगे आप, यहां से चलोगे तो मोहन का स्थान क्या हो जाएगा, राइट साइड से 22वां, बिल्कुल हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। फिर आप देखिए 25 और 22 कितना होगा, 47 होगा। तो आपका एक पर्सन आपने यहां पे दो बार काउंट कर लिया है, माइनस में एक आपका 46, बिल्कुल 46 है, हाँ जी, बन जाएगा आंसर, तो आपका 46 है। उसके बाद उसने बोला जो सोहन है ना, जो सोहन का स्थान इस साइड से कौन सा है, सिंपल सा देखिए, आपके पास टोटल नंबर ऑफ रो है, स्टार्टिंग नंबर प्लस में लास्ट नंबर माइनस में 1, टोटल नंबर कितने आपके पास, 46 है, बिल्कुल है। उसके बाद देखिए आपका 46 है, तो स्टार्टिंग नंबर आपको निकालना इस साइड से, तो आपका ये कौन सा आपका है, कौन सा बोला उसने, सोहन का स्थान 10 माइनस कर दोगे आप, ये आपको निकालना है, प्लस में 10 माइनस में 1, ठीक है। आपको स्टार्टिंग नंबर निकालना है, तो आपका 10 माइनस में 1 9, तो आपका इस साइड आगे माइनस हो जाएगा, तो 46 माइनस में 9 37 आ जाएगा आपका राइट आंसर। हाँ जी, क्लियर है, हाँ जी, बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं इस टाइप का, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो आपका, क्योंकि सिंपल सा एक चीज तो कोई भी निकाल देगा, स्टार्टिंग नंबर लास्ट नंबर या टोटल नंबर, इसमें दोनों चीज मिक्स हैं। हाँ जी, आगे बढ़े,
देखिए क्या आएगा आंसर, देखेंगे भाई क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही अच्छा है, वह ज्यादा नहीं है। आंसर मेरे को भी याद नहीं है, देखेंगे क्या आएगा। हाँ जी करवाई क्वेश्चन या हो जाएगा, आसपास हो आंसर के। हाँ क्या है आंसर, 29, 30, 31, 30 है, परफेक्ट 30 ही है। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी है, क्योंकि जहां तक पीछे आपने क्वेश्चन किए ना, सारे कहीं ना कहीं सेम लैंग्वेज के थे। हाँ करवाए क्वेश्चन, देखिए आप, उत्तर की साइड फेस है, उत्तर की साइड मतलब ऊपर की साइड फेस है, फिर देखिए उत्तर की ओर फेस करके एक पंक्ति में प्रिंस है ना कोई, राइट साइड से पांचवें स्थान पे। अब आपका अगर ऊपर की साइड फेस है ना, तो राइट साइड ये होगा आपका, लेफ्ट साइड इस साइड होगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला आपको, जो प्रिंस है ना राइट साइड से पांचवें स्थान पे है, अब प्रिंस है यहां से पांचवें स्थान पे है। उसके बाद उसने बोला है अमित दाएं छोर से क्या है, पंद्रह स्थान पे है, मतलब इसी साइड से पंद्रहवें स्थान पे है। अब यहां से चलोगे आप, यहां तक पांच है, तो यहां तक कौन है, ये अमित है ना, अमित का पंद्रहवां स्थान है। अब उसने बोला अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। अब आप एक चीज देखिए, प्रिंस यहां पे है, अमित यहां पे है, तो आदित्य कुछ इस साइड आएगा, आदित्य इस साइड आएगा। और उसने बोल दिया जो आदित्य है ना पंक्ति के लेफ्ट साइड से छठे स्थान पे है। अगर आप देखोगे इस साइड से अगर देखते हो, जो आदित्य का जो स्थान है छठा है। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब उसने आपसे पूछा कि इस रो में कितने पर्सन है, यहां से लेके आपको यहां तक बताने कितने पर्सन है। क्वेश्चन क्लियर है आपका, सॉल्यूशन में कोई डाउट तो नहीं अब तक। अब सबसे पहले आप देखिए यहां से और यहां तक का इनके बीच में कितने पर्सन है, 10 है। अगर 10 यहां है तो 10 ये हैं सर, बिल्कुल 10 हैं। अब आप देखिए 15 और 10 यहां तक कितने आपके, 25 है, ठीक है। 25 और आपके 5 आगे हैं, वैसे तो आप देखो 25 और 6 31 है, एक माइनस आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 25 और 5 आपका 30, तो राइट क्या होगा आपका 30 होगा। 31 आपका इसलिए आया क्योंकि आपने 25 प्लस में 6 कर दिया है, क्योंकि इसको दो बार जोड़ दिया आपका, 25 और 5 30 बनेगा आंसर। क्वेश्चन बस आपका जब तक आपने नहीं बैठाया ना, जब तक क्वेश्चन आर्ड था, बैठाते ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी, बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस आते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, ठीक था क्वेश्चन, हाँ जी बन जाएगा आंसर।
आगे बढ़े, रिपीट करना है क्वेश्चन, डाउट है किसी बच्चे का? देखिए आप, सबसे पहले उसने बोला है कोई प्रिंस, ये था प्रिंस था, राइट साइड से पांचवें स्थान पे है, फिर उसने बोला आदित्य है, सॉरी ये अमित है, राइट साइड से पंद्रहवें स्थान पे, अब पांच यहाँ पे है तो यहां तक कितने हो जाएंगे, पंद्रह। अब उसने बोला आदित्य है ना, जो सॉरी अमित है ना, आदित्य और प्रिंस के ठीक बीच में है, तो आपने क्या किया, जितना स्पेस यहाँ पे था इतना स्पेस आपने यहाँ पे ले लिया, और उसने आपको नेक्स्ट लाइन में बोला जो आदित्य है लेफ्ट साइड से छठे स्थान पे है, यहां से आपने देखा आदित्य क्या छठे स्थान पे है, तो अब आप देखिए अगर यहां से प्रिंस का और अमित का गैप देखते हो, आपका गैप कितने का था, आपका 10 का था, और उसने बोला जो अमित है आदित्य और प्रिंस के ठीक बीच में है, अगर 10 इसका है तो 10 इसका है, ठीक है। अब आप देखिए अगर यहां तक आपके 15 थे तो 15 और 10 25, अब आप देखोगे अगर 25 प्लस में इस साइड से 6 करते हो आप, 25 प्लस में अगर 6 करते हो आप 31 आएगा, पर आपने यहाँ पे इस पर्सन को दो बार काउंट कर लिया, आप उस साइड से आए तब भी काउंट कर लिया, इस साइड से आए तब भी काउंट कर लिया, तो 31 माइनस में एक करना पड़ेगा आपको, हाँ जी बन जाएगा आंसर, तो 30 होगा। तो जो समझ में नहीं आए तो बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो मेरा सिर्फ कम से कम 20 सेकंड लगे होगी एक्सप्लेन करने में दोबारा, पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हाँ जी आगे बढ़े अब, ठीक है ना, ये आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। रोड़ा तो कम से कम का है, ज्यादा ज्यादा तो आ जाएगा, आप अपना दिमाग लगाइए बस, आगे मेरा काम है। बेटा पंक्ति में सारे छोरे होंगे फिर क्या कर लेगा। गलत है, गलत दिमाग लगा रहे हो तुम। गलत दिमाग लगा रहे हो, कहने तो लग रहा क्वेश्चन बहुत अच्छा आज का, ये सिर्फ छोरे आप फोकस कर रहा है, पंक्ति में सारे छोरे हैं भाई। आसपास हो आप आंसर के, तो सीधा 29 पे सीधा 3 पे का। हाँ आसपास हो मतलब होता है एक दो आगे पीछे, 27 ठीक है। आसपास का मीनिंग नहीं पता ही ना। हाँ जी आ गया आंसर सभी का, कम से कम का। जा अब बताएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा आ गया आंसर, तो फिर कम से कम भी क्वेश्चन बना है। हाँ जी किसी का आंसर आएगा एग्जैक्ट, हाँ भाई सुशांत आओ आंसर, क्या आया कैसे आया बता। हाँ तुम्हें क्यों करे हैं, 5 माइनस क्यों करे, 7 2 2 माइनस क्यों करे,
इन तो सीधा 34 माइनस में 7 कर दिए, क्यों क्यों करें हैं? क्यों है? रीजन तो होगा कुछ, दो बार काउंट किया है या फालतू है क्या, कैसे क्या है? और जो पांच है वे तुक्के मार रहे हो आप। आंसर तो आपका ठीक आ गया, माइनस तो होंगे वो सात, पर आपने ये नहीं पता क्यों होगा माइनस, तो ये सात ही होंगे। देखिए एक बार पर्सन को ना आप लाइन में दो बार बिठा सकते हो आप, अगर वो आपको बोले था ना टोटल रो में 35 लड़के हैं 33 हैं, फिर तो आप एक ही तरीके से बैठाओगे इसको, यहाँ पे इसने मेंशन ही नहीं किया है कितने हैं। तो आप देखिए एक पंक्ति में है ना कुल जो राहुल है लेफ्ट साइड से 17वां है, और जो मनीष है राइट साइड से 17वां है, ऐसा ही कुछ है। और इन दोनों के बीच में क्या है, पांच व्यक्ति हैं। तो उसने बोल दिया कि इस पंक्ति में कम से कम कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? एक तो आपने देखा सर 17 दूनी 34 और 5 39, डायरेक्ट ये आ गया है। अब आपको दूसरे तरीके से बैठाना है और इन पांच को फिर बीच में लेके आना इनके, क्योंकि पांच को तो बीच में लेके आना पड़ेगा ना आपको, तो दूसरे तरीके से कैसे बैठ सकते हैं वो? हाँ जी ऊपर देखिए एक बार, एक तरीके से तो बीच में ऐसे आ सकते हैं वो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप देखोगे कोई पर्सन है, मनीष था ना शायद, राहुल और मनीष, राहुल इस साइड से 17वां है और जो मनीष है, सॉरी ये राहुल था ना, अगर मैं मनीष को इसको ओवरलैप कर दूं, मनीष उस साइड से 17वां है, तो बीच में एक बार ऐसे आएंगे वो या नहीं आएंगे, ठीक है? या आपको ऐसे भी नहीं मानना, उसको ऐसे कर सकते हो आप, बात तो वही जाएगी, ठीक है? अरे यार यहां तक, ये राहुल था ये मनीष था, ये इस साइड से 17वां है, बात वही है, इस साइड से राहुल 17वां है और मनीष यहां से आके ये भी 17वां है। और ओवरलैक भी क्या आपने क्यों किया है, क्योंकि आपको ना बीच में पांच पर्सन लेके आने हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कोई तरीका इससे अलग आपके पास पांच पर्सन बीच में आएंगे नहीं आ सकते, क्योंकि पांच पर्सन तो आपको बीच में लेने ही पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है? एक तो आपने सिंपल सा तरीका कर लिया था, ठीक है, और दूसरा तरीका तो ऐसे ही हो सकता सर पांच बीच में आएंगे। अब आपको इस रो में बताना है आपके ज्यादा आपका कम से कम कितने होंगे, क्योंकि कम से कम तो ऐसे ही माइनस होंगे, और जो आपने ये किया था ये आपका ज्यादा से ज्यादा था, ठीक है? कोई चीज आपने बढ़ा ली है और कोई चीज आपने कम कर दी है, वो आपका कम से कम है। तो आप देखिए, अगर आप देखते हो 17 आपके टोटल है, अगर इस साइड से गए आप, एक बात देखिए, अगर आप इस साइड से जाते हो, आपने यहां से यहां तक राहुल तक 17 काउंट किए, हाँ जी कर लिए 17 काउंट, फिर आप देखिए ध्यान से देखिए आप, फिर बाद में दिक्कत आएगी, यहां से यहां तक गए आपने राहुल तक 17 काउंट कर लिए, अब यहां से आप फिर दोबारा आए यहां तक, फिर आपने 17 काउंट कर लिए। अब आप देखिए अगर इस साइड से आप गए हो तो ये पर्सन भी आया है, काउंट किया, इसको भी काउंट किया, इसको भी काउंट किया, इसको भी और इसको भी काउंट किया। अगर आप उस साइड से आते हो, अगर आप इस साइड से आते हो, इसको भी काउंट किया, इसको भी काउंट किया, इसको भी, तो आपने इस 7 पर्सन को क्या किया है, दो बार काउंट कर लिया है, तो 17 दूनी 34, तो 34 माइनस में कितना हो जाएगा आपका, 7 होगा, तो इसलिए 27 आया आपका, क्योंकि जब आपकी लाइन में ऐसे बैठाया ना इनको, आपने दो बार काउंट कर लिया, इस साइड से गए ना राहुल की साइड हम, तब भी आपने के 17 काउंट किए, इस साइड से आए तब भी 17 काउंट किए, हाँ जी बन जाएगा आंसर। तो दोनों सोल्यूशन उतार लेना आप, आगे बढ़ा लेंगे फिर इसको, क्वेश्चन अच्छा है। उतार लीजिए आपका कम से कम, शांत।
तो बेटा आपका जो रैंकिंग ऑर्डर है कंप्लीट होता है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो भी आपका डाउट आए तो डाउट बता देना आप, ठीक है बेटा, जय श्री राम।